subscribe our channel too. Please mention your feedback in the comment section below. Your feedback is really very important. आज हम डिस्कस करेंगे कॉनकेव लेंस के बारे में. हमने पहले वीडियोस पे डिस्कस करा है कॉनवेक्स लेंस के बारे में. हमने बोला कॉनवेक्स लेंस क्या करता है, रेस को कन्वर्ट करता है, एक पॉइंट पे मीट करवाता है. पर ये जो कॉनकेव लेंस है तो ये क्या करता है, रेस को डाइवर्ट करवाता है. डाइवर्ट करवाता है तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, कॉनवेक्स मिरर की तरह. तो अगर हमें कॉनवेक्स मिरर आता है तो हमें ये भी आता ही, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं. तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन. तो रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन इसका क्या है, पहले पहले हम आते हैं पहले रूल पे. हमें पता है कि रेस को क्या करेगा, डाइवर्ट करेगा. तो अगर हम रेस को पैरेलल भेजेंगे, अगर हम रेस को पैरेलल भेजेंगे तो रेस क्या कर जाएगी, डाइवर्ट कर जाएगी. एंड देन अपीयर टू पास थ्रू F2. क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि F2 क्या है, F2 इज अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस एट व्हिच द रेस कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अपीयर टू मीट आफ्टर रिफ्रैक्शन. क्यों, क्योंकि हमें पता है कि ये क्या है हमारा कॉनकेव लेंस है. इसमें हमने पहला वाला मिरर इसको मान लिया, दूसरा वाला इसको मान लिया. ठीक है, तो हमने पहला वाला इसको मान लिया और दूसरा वाला इसको. क्यों, क्योंकि जब हम कॉनवेक्स भी पढ़ते थे तो हम पहला वाला इसको मानते थे, दूसरा वाला इसको मानते थे. हम बोलते थे इस वाले मिरर का जो सेंटर होगा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, C1. इस वाले मिरर का जो सेंटर होगा यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, C2. तो हमें C1 इस साइड मिलता था, C2 इस साइड मिलता था. वैसे इसमें भी अगर हम देखें तो इस वाले को हम वन मानेंगे, इस वाले को टू मानेंगे. तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे हमें C1 मिलेगा और यहाँ पे हमें C2 मिलेगा. तो इसीलिए इसका F2 यहाँ पे होता है और F1 यहाँ पे. तो F1 C1 यहाँ पे आएगा, F2 C2. इतना क्लियर है. तो हम जब रेस को पैरेलल भेजेंगे तो वो किससे पास करेंगे, F2 से. ये हमारा कौन सा रूल है, पहला रूल है. उसके बाद दूसरा क्या है, इसका उल्टा, कि अगर वो F1 से पास करते हुए दिखाई देंगे तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगी, पैरेलल. ये डाइवर्जिंग ऐसे रेस को क्या कर रहा है, डाइवर्ट. जबकि ये क्या करता था, अगर हम पैरेलल भेजते तो कन्वर्ज करता था रेस को. उसके बाद ये थर्ड वाला रूल है कि ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता था जहाँ से रेस बिल्कुल अनडिविएटेड जा रही है. तो अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे तो रेस अनडिविएटेड जाएंगे. आई होप आपको ये तीनों रूल्स क्लियर है, क्योंकि अगर हमें ये रूल्स क्लियर है तो हम इमेज फॉर्मेशन के केसेस बहुत इजीली कर सकते हैं. जैसे कॉन्वेक्स, जैसे हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करते थे कि कॉन्वेक्स मिरर में दो केसेस होते हैं, वैसे इसमें भी दो ही केसेस होते हैं. एक, ऑब्जेक्ट जब तुम इन्फिनिटी से रखोगे, और दूसरा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट को तुम एनी वेयर प्लेस कर दोगे. तो दोनों केसेस हमने समझा. अब हम पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन केसेस फॉर अ कॉनकेव लेंस. कॉनकेव लेंस के इमेज फॉर्मेशन केसेस पढ़ेंगे. तो ये किसकी तरह रिजेंबल कर रहा है, कॉनवेक्स मिरर की तरह. तो सबसे पहले जब हमने रेस को पैरेलल भेजा, सबसे पहले हमारा तरीका क्या रहेगा कि हमने कॉनकेव लेंस बना दिया. ठीक है, उसके बाद हमने बीच में अगर ऑप्टिकल सेंटर ओ मार्क कर लिया. हमें पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, सी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ. तो अगर मैं सी इधर बना लूँ तो एफ इधर बनाऊंगी इधर. और हमें पता है कि ये सेकेंड वाला होता है, ये फर्स्ट वाला होता है, तो इसका एफ टू इधर बनेगा, सी टू इधर बनेगा, एफ वन इधर बनेगा, सी इधर. तो ये हमारा तरीका रहेगा. उसके बाद हम रेस को पैरेलल भेज रहे हैं. हमें पता है रेस को पैरेलल भेजते तो पहला वाला रूल अगर हम देखें तो रेस क्या कर जाएगा, रेस डाइवर्ट कर जाएगी. और डाइवर्ट करेंगे अपीयर टू बीटा एफ टू. तो डाइवर्ट कर जाएंगे, देन बीटा एफ टू. सेकेंड वाले में भी यही कि अगर हम पैरेलल भेज रहे हैं तो डाइवर्ट हो जाएंगे, देन अपीयर टू बीटा एफ टू. तो हम इमेज में तीन चीज़ें लिखते हैं. सबसे पहले पोजिशन, पोजिशन कहाँ मिल रहा है हमें, एट एफ टू. दूसरी चीज नेचर, हमने बोला था अगर हम मिरर पढ़ते हैं तो मिरर के बाद मिलता है तो वर्चुअल होता है, क्योंकि हमारी इमेज जो होती है मिरर के बाद बनती है तो वो क्या होती है, वर्चुअल. और मिरर से पहले क्या बनता है, रियल. बट इसका उल्टा होता है, अगर लेंस के बाद होगा तो रियल होगा, लेंस से पहले होगा तो वर्चुअल होगा. तो नेचर क्या है, लेंस से पहले है तो क्या हो जाएगा, वर्चुअल है, क्योंकि वर्चुअल इमेज हमेशा इरेक्ट होती है, मतलब अपसाइड डाउन भी इरेक्ट. ऐसा ऑब्जेक्ट है तैसे ही. एंड साइज कैसी है, बिल्कुल डिमिनिश्ड, बिल्कुल छोटी सी साइज है. इतना क्लियर है, ये अपना फर्स्ट केस था. सेकेंड केस क्या रहेगा भाई, हमने सबसे पहले पैरेलल भेजी रेस को, जब हम पैरेलल भेजते हैं तो रेस क्या कर जाएगी, डाइवर्ट कर जाएगी. क्यों, क्योंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है. तो रेस डाइवर्ट कर गई और कहाँ से पास करते हुए दिखाई दे रही, एफ टू से पास करते हुए दिखाई दे रही. उसके बाद अपन कोई भी रूल यूज कर सकते थे, पर ऑप्टिकल सेंटर वाला रूल सबसे आसान होता है, तो उसे बिल्कुल यूज कीजिए कि अगर आप ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाओगे तो रेस अनडिविएटेड चली जाएगी. अब दो रिफ्रैक्टेड रेस, दो रिफ्रैक्टेड रेस यहाँ पे मीट करती है, इमेज कहाँ बनती है, वही. तो हमने सबसे पहले ये अपनी इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रेस को एक्सटेंड कर लिया, तो पहली रिफ्रैक्टेड रे ये अपनी पहली रिफ्रैक्टेड रे थी. दूसरी रिफ्रैक्टेड रे ये वाली थी. तो ये दोनों जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, वही बनेगी. इमेज कहाँ बनेगी, वही. तो जहाँ पे दोनों रिफ्रैक्टेड रे इंटरसेक्ट करती है, इमेज कहाँ बनती है, वहीं पे. तो इमेज की सबसे पहले पोजिशन देखिए, कहाँ बन रही है इमेज, बिटवीन ओ एंड एफ, बिटवीन ओ एंड एफ. ठीक है, उसके बाद इसका नेचर कैसा है इमेज का, ये भी पहले बन गई, तो नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट नेचर. उसके बाद साइज, साइज हम देखेंगे
की बनती है, पर वर्चुअल इमेज हमें बड़ी साइज की चाहिए तो हमें कौन सा लेंस चाहिए रहेगा? कॉन्वेक्स लेंस। वो भी कौन सा केस उसका? लास्ट।